हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर, जिसके लिए हमें चाहिए 5 मीडियम टमाटर, 7-8 काजू, 3 हरी मिर्च, 2 बड़े अनियन, पनीर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुछ खड़े मसाले और पनीर मसाला। तो चलते हैं, हम ग्रेवी मसाले को तैयार करते हैं। हमने तेल लिया है, उसमें ऐड किया है 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 23 पत्ते और दालचीनी। थोड़ा ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज और काजू को साथ में ही थोड़ा भून लेंगे, ज्यादा रेड नहीं करना है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। अब इसे 2-3 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे, जिससे ये टमाटर और जो हमने अनियन लिया उसका थोड़ा कच्चापन निकल जाएगा। अब इसमें ऐड किया हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। कुछ टाइम तक इसे कवर कर देंगे, 2-3 मिनट ये पक जाएगा। आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर, ये सारे मसाले अच्छे से भुंज गए हैं। इसे ठंडा करने के बाद हम मिक्सर में इसका पेस्ट बनाएंगे। एक पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। अब लेंगे हम 2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच शाही पनीर मसाला, 3 चम्मच मैंने नमक लिया है, बाकी आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। बाकी गरम मसाला मैंने एंड में ऐड किया था। अब इसमें मैंने लिया है थोड़ा तेल और घी, और उसमें डाला है मैंने जीरा। जीरे में सारे मसालों को मिक्स करके डाल दिया है। मसाले के भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे वो पेस्ट जो हमने रेडी किया था। बाकी हम पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा पानी ऐड करेंगे और कुछ टाइम के लिए इसे कवर करके रख देंगे। ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है। मेरे पास क्रीम नहीं थी, तो मैंने जो दूध की मलाई होती है और थोड़ा मिल्क डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसमें मैंने ऐड किया है पनीर। देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब इसे 5 से 10 मिनट तक लो टू हाई फ्लेम में पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी पनीर की सब्जी रेडी हो चुकी है। इसमें ऐड किया है धनिया, बाकी आप इसे चपाती, पराठा या राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।